Now these are the three conductors and you are asked to calculate the magnetic field at point O. Let O be the center. चलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले इस कंडक्टर की तरह देखते हैं जरा इस कंडक्टर पे ऑब्जर्व करें आपको क्या लगता है करंट फ्लो हो रही है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा लेकिन जब आप इस कंडक्टर की तरह ऑब्जर्व करोगे आपको लगेगा ये वायर जो है ये कहीं से आ रही है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है चलिए ये इस तरह दिखाया गया है ऊपर से भी बराबर इसी तरह है तो यहां से याद रखिएगा ये सेमी इनफाइनाइट इंफिनिटी से वायर आ रही है तो यहां तक आपको निकालना है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ओ जो है वो सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे है फिर सेमी सर्कल है फिर याद रखिएगा सेमी सर्कल के बाद याद रखिए ये एक और इनफाइनाइट वायर है तो इसका मतलब हुआ पहले, जहां तक पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है पहले क्वेश्चन में याद रखिएगा पहले क्वेश्चन में याद रखिए सबसे पहले सेमी इनफाइनाइट पोर्शन जो है ये वाला जो है चलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वन है बोलिए मैग्नेटिक फील किसके बराबर होगा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दीजिए मैग्नेटिक फील किसके बराबर है सेमी इनफाइनाइट वायर का बोलिए इस वायर का जो यहां पे है रेडियस इस वायर का आर है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय फोर पाई आर जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट ओ पे जहां पे ये एरो है तो ये डिस्टेंस जो है आर है ये जो रिंग का रेडियस है इसकी डिस्टेंस है तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर अब चलिए आप मुझे बताइए ये सेमी सर्कल है सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा आपको पता है ये रेडियस आर है तो सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर आर अब चलिए ये वायर है ये सेमी इनफाइनाइट ये सेमी इनफाइनाइट वायर है लेकिन आपको पता है अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर है आप सभी जानते हो ये देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर है लेकिन इसकी सीध में चले जाइए इसकी सीध में चले जाइए आप देखिए इसकी सीध में कंडक्टर्स की सीध में मैग्नेटिक फील होता है जीरो ये देखिए बेटा ये सीधे इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगा तो हम कह सकते हैं इस, इसका कंट्रीब्यूशन जो है सर इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है अगर आप राइट हैंड रूल की तरह देखोगे इस कंडक्टर को पकड़ोगे इस कंडक्टर को पकड़ोगे फिंगर्स जो है वो कर्ल करेंगे अंदर की तरह फिंगर्स कर्ल करेंगे अंदर की तरह तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा यहां पर यहां पर आप याद रखोगे कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सर सर्कुलर कॉइल में हम फिंगर्स को करल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो एक्सटेंडेड थंब जो है करल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो एक्सटेंडेड थंब अंदर की तरह होगा तो यहां पर भी थंब जो है अंदर की तरह और ये इसका मतलब हुआ ये दोनों अब शॉर्टकट में याद रखिए करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है करंट जो है एक ही कारण चल रही है पूरे कंडक्टर में तो याद रखिएगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करेंगे तो बताइए व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सिस्टम का होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर आर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर पाई आर तो बताइए बी किसके बराबर है म्यू नॉट आई तो चलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड करके आया म्यू नॉट आई बाई फोर फोर आर वन प्लस देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे मैं इसको रखूंगा तो चलिए आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एरो की जगह निकालना है आपको क्या लग रहा है क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर ये सेमी सर्कल है ये दूसरा सेमी सर्कल है अंदर वाले सेमी सर्कल में करंट वही आई चल रही है करंट वही आई चल रही है लेकिन सर इसका रेडियस ए है बाहर वाले सेमी सर्कल का और ये दो पार्ट है ये जो स्ट्रेट पार्ट है स्ट्रेट पार्ट की सीध में स्ट्रेट पार्ट की सीध में स्ट्रेट कंडक्टर की सीध में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा स्ट्रेट कंडक्टर की सीध में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो तो यहाँ पे दो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो चलिए निकालिए मैग्नेटिक फील्ड बताइए इस सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर ए बाहर वाले सेमी सर्कल की वजह से यहां पे यहां पर मैनेटिक फील्ड क्या होगा तो बताइए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर बी दोनों को मिलाइए मुझे बताइए का वैल्यू क्या होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर ए प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड फोर बी तो बी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई तो याद रखिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर अंदर बचेगा वन बाई ए प्लस वन बाई बी अब चलिए इस ये एग्जाम में जेई में क्वेश्चन आया था आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पे तो इसका मतलब हुआ स्ट्रेट पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो है ना ये वाला पार्ट लेकिन एग्जाम में दिया था एक चीज में भूल गया यहां पे एग्जामिनेशन में दिया था ये एंगल जो है नाइन्टी डिग्री है तो बताइए ये वाला स्ट्रेट पार्ट जो है ये सबटेंड करता है एंगल 90 और ऊपर वाला आर्क जो है वो करेगा फिर 270 यानी टू टाइम्स 90 तो ये थ्री क्वार्टर्स हो गया तो बताइए आपने ऑलरेडी पढ़ा है अगर ये ये वाला पोर्शन जो है ये थ्री क्वार्टर्स है थ्री क्वार्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो बताइए जल्दी जल्दी हम क्या लिखेंगे थ्री बाई एट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर करल द फिंगर्स करल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थम हाथ को पकड़िए करल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरह है और राइट हैंड रूल से स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरह से है और इन एनटल याद रखिए करंट एक ही लाइन में चल रही है दोनों में वही करंट चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो बताइए स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये देखिए ये स्ट्रेट पोर्शन है मैथड क्या है सर पहले ओ पे निकालना मैग्नेटिक फील परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ये रेडियस है ये रेडियस है सर ये एंगल फोर्टी है ये एंगल 45 है, तो ये अगर ये R है, ये 45 है, तो x जो है, x इज इक्वल ये होगा R cos 45. तो चलिए बताइए, इसका मैनेटिक फील क्या होगा? इसका मैनेटिक फील होगा, ये याद रखिए, mu naught i divided by 4 pi x sine phi one plus ऑफ phi two मैनेटिक फील के रिलेशन है. तो बताइए, mu naught i divided by 4 pi x के बदले क्या लिखोगे? R cos 45 इनटू याद रखिए साइन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस साइन ऑफ फोर्टी फाइव जरा आप सोलो कर दीजिए ये हो गया ये बना ये बना म्यू नॉट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर पाई और कॉस फोर्टी फाइव ये हुआ ट्वाइस कॉस ऑफ फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव और सॉरी साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू है कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू टू वन झा टू टू झा और इस वाले पोर्शन का इसका मतलब हुआ इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड जो निकला वो निकला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर तो चलिए अब बताइए स्ट्रेट पार्ट का स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है म्यू नॉट आई बाई टू बाई आर और इस थ्री क्वार्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड है थ्री बाई एट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर अब एक काम कर दीजिए अब एक काम कर दीजिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए आपको खुद ब खुद ये यह यहां पे समझ आएगा दोनों को मैग्नेटिक फील्ड्स को जब ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा वट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताइए थ्री बाई एट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर प्लस ये क्या है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई आर इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर निकल आएगा अब चलिए अब हमारे पास दूसरा लॉ है एम्पियर सर्किट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ इससे भी जिस तरह बायोसर्वर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस तरह हम एम्पियर सर्किट लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अब इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है इंटेग्रल ऑफ ई डॉट आपको पता है इंटरग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा इंटरग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज़ ऑलवेज इक्वल जीरो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका मतलब क्या है जरा इस क्यू दोनों साइड से क्यू से मल्टीप्लाई करिए इसका मतलब क्या हुआ क्यू ई डॉट डी एल इज ईक्ल जीरो क्यू ई फोर्स है इसका मतलब हुआ एफ डॉट डी एल इज़ ईक्ल्ट ज़ीरो दैट मीन्स वर्क डन जो है एफ डॉ डीएल हुआ वर्क डन ऑनलोज क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो जरा इसका मतलब हुआ अगर मैं आपसे पूछूंगा स, इसको बोलेंगे लाइन इंटेगरल लाइन इंटेगरल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोजेड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली तो ये लॉ है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है वर्क डन बायेक्ट्रोस्टाडिक फील्ड ऑनोज पाथ इज इक्वल टू जीरो इससे साबित होगी इसे साबित हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है इलेक्ट्रिक फील्ड सोलिनॉइडल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सॉलिनॉइडल लेकिन जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इंटरग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जरा इसको पढ़िए इसको कैसे पढ़ेंगे लाइन इंटेग्रल ये पाथ पे हम इंटेग्रल कर रहे हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ ये याद रखिएगा लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ अलोजड पाथ याद रखिएगा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वो ज़ीरो नहीं होगा लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अब आप कहोगे सर अगर ये जीरो के बराबर नहीं है फिर किसके बराबर है इसी के लिए हमारे पास है एम्पियर सर्किट लॉ तो चलिए ये दूसरा मैंने कहा था बायर सर्वर लॉ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किट लॉ मैंने यहाँ पे लिख के रखी है इसकी स्टेटमेंट इसकी स्टेटमेंट नोट करें और इसको लर्न करें एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स ये एग्जाम में बराबर इसी तरह लिखना है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है देखिए जहां जहां से कर्सर जाएगा एरो जाएगा आप साथ, साथ पढ़ते जाइए इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अक्लोज पाथ अभी हमने पढ़ा लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ओवर अक्लोज पाथ लाइन इंटेग्रल ऑफ मैगनेटिक फील्ड ओवर पाथ जीरो किसके बराबर है द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैगनेटिक फील्ड ओवर टू म्यू नॉट टाइम

और इस क्लोज पाथ में कुछ वायर्स जो है कुछ वायर्स जा रही है आदि वायर्स में से करंट अंदर जा रही है आदि वायर्स में से करंट बाहर जा रही है अब मैं उन वायर्स का सिर्फ क्रॉस सेक्शन ये देखिए अगर ये वायर है वायर का ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा हमारी नज़र यहाँ से है इसीलिए आपको सर्कल दिखेगा तो ये देखिए कुछ वायर्स कुछ वायर्स का क्रॉस सेक्शन अंदर की तरह है कुछ बाहर की तरह है तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ क्रॉस ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये क्रॉस चलिए ये टू आई है इसमें करंट टू आई अंदर जा रही है इसमें करंट आई बाहर आ रही है इसमें करंट आई बाहर आ रही है इसमें अंदर जा रही है फोर आई अंदर जा रही है आई अंदर जा रही है थ्री आई और बाहर निकल रही है फोर आई आपको बोलना है आपको ए, ए, एम्पियर सर्किट लॉ यहां पे अप्लाई करना है क्या कहता है एम्पियर सर्किट लॉ जरा जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए क्या कहता है ये क्लोज पाथ है इस क्लोज पाथ को हम कहेंगे इस क्लोज पाथ को जिस तरह क्लोज सरफेस को हम वहां पे गोशन सरफेस कहते थे इस क्लोज पाथ को कहेंगे एम्पेरियल लूप तो चलिए आप बताइए अंदर जो है अंदर करंट्स की तरह देखिए अंदर यहां पे करंट है यहां पे करंट है यहां पे आपको पता है एम्पियर सर्किट लॉ सिर्फ अंदर वाली करंट एनक्लोज ये नहीं लेनी है ये करंट मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये सब का कंट्रीब्यूशन है मिलके ये फिजिकल सिग्निफिकेंस याद रखिए एम्पियर सर्किट लॉ में इन दिस इक्वेशन बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूशन बी क्या इंडिकेट करता है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द होल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन आई नॉट इनक्लोज करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोजड पाथ ओनली तो इसीलिए जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे एम्पेर सर्किट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे तो बताइए इंटरग्रल ऑफ ये देखिए बी डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर होगा म्यू ना टाइम्स वट इज़ द नो टोटल कारंट टोटल करंट क्या है ये करंट्स नहीं लेनी है अब बताइए फोर आई और फोर आई कैंसल हो जाएगा फिर ये दो कारंट सेम डायरेक्शन में अंदर जा रही है तो देखिए थ्री आई प्लस आई क्या हुआ थ्री आई प्लस आई हुआ फोर आई इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं ये हमारा ये इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड आराम से इंटेग्रल करके सॉलो करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा एम्पियर सर्किट लॉ की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है एम्पियर सर्किट लॉ इज अप्लाइड फॉर सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे जिस तरह गोसिस लॉ जो है गॉसिस लॉ जो है हम बात करते हैं गॉसिस लॉ की गॉसिस लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नोट करें सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन

टल लेकिन याद रखिए इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है जिस चीज को आपको दो दो पेजेस में आंसर निकला वो इसका जो उस तरह उस की डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कुछ स्टेप्स में ही मैग्नेटिक फील्ड आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो चलिए अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ सर्किट लॉ इसको आप प्रूव भी कर सकते हो अगर एग्जाम में वैसे एग्जाम में आत... नहीं इसका प्रूफ नहीं आता है अगर एग्जाम में प्रूफ आएगा आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए हम किस तरीके से इसका प्रूफ जो है वो कर सकते हैं तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप इसका प्रूफ आराम से कर सकते हो लीजिए एक कंडक्टर आप लीजिए एक कंडक्टर ये देखिए ये देखिए ये कंडक्टर है अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है आई आप इसी तरह मेंशन करोगे क्या कंडक्टर कैरिंग करंट आई लेकिन आप राइट हैंड रूल मुझे बता दीजिए राइट हैंड रूल से आपको निकालना है राइट हैंड रूल से आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो इसको इसको पकड़िए देखिए जहां तक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एंपेर सर लॉ जो है इस कंडक्टर को पकड़िए ऐसे जैसे यहां पे दिखाया गया है ये देखिए थम जो है थम इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ ये जो करंट और जो फिंगर्स जो है इस इस इसको कर्ल कर रहे हैं फिंगर्स की डायरेक्शन जो है फिंगर्स की डायरेक्शन जो है जो सर्कल्स में फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो याद रखिए वो डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड है तो यहां पर भी आप एज्यूम कर लीजिए इसको पकड़िए तो आपका मैनेटिक फील्ड जो है आपका मैगनेटिक फील्ड इस तरीके से होगा ये आपकी मैगनेटिक फील्ड लाइन होगी तो चलिए एज्यूम कर लीजिए आपको यहां पर मैगनेटिक फील्ड निकल है चलिए डिस्टेंस जो है ये, ये है आर तो ये जो आपने यहां पे एलिमेंट लिया ये सर्कुलर पाथ लिया चलो इसको बोलेंगे एम्पेरियल लूप और इसके हर एक एलिमेंट पे जो आपने एलिमेंट लिया ये इसके हर एक एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा तो चलिए आप इस तरह भी कर सकते हो आप बताइए वट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बोलिए B इज इक्वल बोलिए जल्दी जल्दी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस आर है इस तरह भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बी इन टू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है तो आप टू पाई आर जो है ये क्लोज पाथ पूरा है आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो तो बताइए जल्दी जल्दी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर एक छोटा सा एलिमेंट होगा अगर एक छोटा सा एलिमेंट डी होगा तो आप जानते हो इंटीग्रल ऑफ डी जो है वो टू पाई आर होता है तो हम इन कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी जो है वो किसके बराबर है म्यू नॉट आई है I is the current enclosed by that path. I is the current enclosed. <coughs> तो अब याद रखिएगा जिस तरह आपने ये एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा एंपियर सर्किट लॉ फिर से रिवाइज करते हैं एंपियर सर्किट लॉ क्या स्टेट करता है एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू सर्किट सर्किटला क्या स्टेट करता है जल्दी जल्दी बताइए शाबाश द लाइन इंटरग्रल ऑफ मैगनेटिक फील ओवर अ क्लोजड पाथ क्लोज पाथ आपका एम्पियर लूप है इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एन क्लोज बाई दैट पाथ तो इसकी पहली एप्लीकेशन जो है याद रखिएगा इसकी एप्लीकेशन में है एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटला में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर ये देखिए हमने इसको डिराइव किया था कैसे हमने इसको डिराइव किया था बायो सर्वर्स लॉ से लगभग दो पेजेस में डेढ़ पेजेस में इंटेग्रल सॉलो करके सॉलो किया था अब देखिए जब हम एम्पियर सर्कटला की बात करेंगे मसला बिल्कुल आसान होगा ये देखिए ये आपका इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है ये देखिए ये आपका इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है आपको इसका मैनेटिक फील निकालना है चलिए आप इस तरह मेंशन करेंगे कंसिडर करंट इनफाइनाइट वायर करंट आई लेट P बी the ऑब्जर्वेशन पॉइंट at a डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम the कंडक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैनेटिक फील्ड निकालना होता है आपको पता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैनेटिक फील्ड जो है सर्कल्स में होगा इसके तो चलिए एक मैनेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन जो है एक पाथ लेते हैं जहां से मैनेटिक फील्ड होगा चलिए ये हमने लिया ये क्लोज पाथ है इस क्लोज पाथ को चलिए ये आर है इस क्लोज पाथ का रेडियस ये देखिए इसको हम बोलेंगे एम्पेरियन लूप ये आपका क्लोज पाथ है जैसे कि गौशन सरफेस आपने इस वायर को यह देखिए यह वायर है जा रही है करंट आपने इस वायर को एनक्लोज किया किससे एनक्लोज किया एम्पेरियन लूप से एनक्लोज किया लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो एम्पेरियन लूप क्लोज्ड पाथ ऐसा लिया है आपने मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर इसी लाइन में है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन भी क्लोज्ड पाथ में है मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन भी क्लोज्ड पाथ में है तो इसका मतलब हुआ हर एक एलिमेंट जो इसका होगा अगर इस एम्पेरियन लूप का हर एक एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल होगा कोई भी एलिमेंट लीजिए अगर एलिमेंट लीजिए ये आपका एलिमेंट डी एल है फील्ड टेंजेंशियल है ये आपका एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड इसी टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड और ये डी एल है तो चलिए अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए शाबाश मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इस एम्पेर सर्किटल लॉ जो है इस लूप पे ये देखिए जहां पे ये एरो जो है ये दिखा रहा हूं मैं ये एरो जो है ये मार्क जो है ये मूव कर रहा है तो याद रखिएगा तो चलिए कर्सर जो है ये एंपेयर लूप है इसी पे अप्लाई करिए आप एम्पेयर सर्किट लॉ तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू एंपेयर सर्किट लॉ सर्क्यूट लॉ इंटरग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एंड एनक्लोज बाई दैट पाथ चूंकि बी और डी एल टेजेंशियल है बी डॉट डी एल बी डी एल कॉ जीरो होता है तो ये सीधे आएगा बी डी एल कॉस जीरो वन है म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज जो है इस एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट है इस एमपेर लूप के अंदर जो करंट है वो कितनी है आई एनक्लोज है वो आई है तो चलिए बी बाहर ऑफ डीएल याद रखिए अब डीएल डीएल हम पहले ही कर चुके हैं टू पर पूरा सरकम है टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई तो बताइए बी निकला बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर देखिए आपने इसी तरीके से प्रूव भी किया इसको और एमपेर सर्किट लॉ में से वापस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ डिराव एन एक्सप्रेशन फॉर मैरडिक फील डू टाइनाइट कंडक्टर बस इतना ही करना है कंसरा सिर्फ आपको मेंशन करना है स्टार्ट में कंसरा इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई लेट पी बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ आर एंड एम्पेस सर्क्यूटर जो लॉ के हिसाब से एम्परल लूप जो है वो इसका सर्कुलर होगा वो सर्कल है तो उसी सर्कल पे आपने एम्पेर सर्किट लॉ अप्लाई किया चलिए ये हॉलो ट्यूब है हॉलो कंडक्टर है ये हॉलो ट्यूब चलिए ये इसकी एक्सीज है इसका रेडियस जो है आर है इसमें इस ट्यूब में करंट चल रही है आई आपको निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले मुझे बताइए अगर आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है चलिए ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को हमेशा रखेंगे आर स्टेप नंबर वन लेट पी बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेट पी बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी तरह मेंशन करोगे एक ट्यूब है लेट पी बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सीज ऑफ द ट्यूब तो बताइए क्या करेंगे इसको एनक्लोज करेंगे इस, uh, एम्पेर लूप से जो नॉर्मली सर्कुलर होगा तो चलिए आप बनाइए ये एम्पेरियल लूप लीजिए

इंटरगल ऑफ डी एल इसी तरह कीजिए टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी किसके बराबर होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई याद रखिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर तो ये देखिए आपने मैनेटिक फील्ड निकाला मैनेटिक फील्ड बाहर निकला ट्यूब का भी मैनेटिक फील वही है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई आर चलिए मैं इसको लिखूंगा बी आउट अब चलिए आ जाइए इस सरफेस पे अगर आप मैनेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इस ट्यूब की सरफेस पे तो यहाँ पे बनेगा बी सरफेस जो है बी सरफेस जो है वो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आपको पता है ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस जो आर है वो रेडियस है तो यहां पे मेंशन करें वो क्या होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई आर अब चलिए जब हम अंदर जाते हैं अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अब हम अंदर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड चलिए अगर आप यहां पर देखिए यहां पर कर्सर जो है अब हम यहां पर भी निकाला सरफेस पे भी निकाला अब घुसिया अंदर अब घुसिया अंदर चलो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है ये आपका डिस्टेंस आर है आपका मैग्नेटिक फील्ड एम्परल लूप ऐसा है लेकिन आपको पता है अंदर हॉलो है इस हॉलो में करंट जो है करंट का वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा इसीलिए बी इनसाइड बी इन साइड जो है वो ज़ीरो होगा तो ऐसे याद रखिएगा मैनेरिक फील इन साइड इन साइड हॉलो ट्यूब जो है वो जीरो है तो इसीलिए जब हम ग्रैफ प्लॉट करेंगे एक चीज़ याद रखिए जब हम ग्रैफ प्लॉट करेंगे अगर हम ग्रैफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे देखिए एक साइड से उठाइए इसको दूसरे साइड से इस तरह एक साइड से बी है दूसरे साइड से आर है आपका ग्राफ जो है आपका ग्राफ इस तरीके से होगा याद रखिए पहले तो ये याद रखिए पहले तो ये सीधे ये देखिए सेंटर से लेके यहां तक ये जीरो है फिर अचानक सरफेस पे मैक्सिमम है फिर आप देखेंगे आपका मैनेटिक फील्ड बाहर जो है ऐसे है बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा बी सरफेस और आपको पता है यहां से यहां तक मैनेटिक फील्ड जो है यह जीरो है यह था मैनेटिक फील्ड डू टू होलो ट्यूब चलिए आप देखिए यह थिक वायर है इस थिक वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है अब अंदर हॉलो नहीं है ये थिक वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है है चलिए ये इनफाइनाइट थिक वायर है, कर लीजिए ऐसे ही तो ये देखिए इसकी एक्सीज है इस थिक वायर में करंट चल रही है आई इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर है आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए बाहर पी बराबर ऐसे ही तो ये डिस्टेंस आर है तो इसका लूप भी बराबर ऐसे ही है तो बाहर वही होगा जो आपने ट्यूब में पड़ा जो आपने वायर में पड़ा तो बताइए कीजिए ये जो आपका एम्पेरियल लूप है जो कर्जर दिखा रहा है इस पर अप्लाई जब करोगे एम्पेयर लॉ तो वो होगा इंटेग्रा लॉ बी डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर होगा नॉट टाइम्स आई होगा तो ये आएगा बी इंटू इंटरगल ऑफ डीएल आप ऑफ में सीधे याद रखी इंटरगल इंटरगल ऑफ डी एल डॉट जीरो थीटा जीरो है इंटरगल ऑफ डी एल टू पाई आर इज द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई तो बी आपका होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर थिक वायर के बाहर बी आउट बी आउट बी आउट थिक वायर के बाहर मैनेड फिर वही है अगर आप सरफेस की तरह देखोगे बी सरफेस सरफेस है मुझे बताइए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई वापस आ जाइए यहाँ पे जब अंदर यहाँ पे आपका एम्परल लूप जो होगा वो बराबर रेडियस ही होगा तो याद रखिए टू पाई यहाँ पे टू पाई आर है जो आपके सामने है मसला ये है अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना है आपको अंदर जाना है जरा अंदर घुसे अब 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 वायर के अंदर घुसे हम ये देखिए अंदर घुसे हम चलिए अंदर घुसिए आप निकालिए आपका मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है एम्पेल लूप यहां पर भी इसी तरह होगा लेकिन इस एम्पेल लूप का रेडियस जो है इस वक्त आर होगा ये कॉमन सेंस है अब इतने पोर्शन में इतने पोर्शन इतने क्रॉस सेक्शन में ये कितना क्रॉस सेक्शन है जरा मुझे बताइए रेडियस आर है क्रॉस सेक्शन कितना है एरिया इतने बड़े एरिया में करंट कितनी है आई आप मुझे बताइए इतने छोटे एरिया में करंट कितनी होगी करंट आई नहीं होगी करंट कम होगी इसीलिए इस छोटे मोटे एरिया में करंट का वैल्यू लीजिए आई डैश चलिए अब हम बात करते हैं अगर इसका इस पूरे क्रॉस सेक्शन का इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है ए है इस पूरे क्रॉस सेक्शन का इस छोटे मोटे क्रॉस सेक्शन का एरिया ए डैश है आपको पता है जैसा एरिया वैसी करंट होगी तो हम ऐसे कर सकते हैं आई डैश डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्ड ए डैश डिवाइडेड ए ए डैश निकालिए ए डैश कितना है पाई आर स्क्वायर आप बताइए कैपिटल ए पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है दैट इज दैट इज जल्दी जल्दी बताइए पाई आर स्कैर पाई पाई कैंसिल आई डैश का वैल्यू आपको निकला आर स्क्र डिवाइडेड बाय आर स्क्र इन टू आई ये आपकी आई डैश है यानी जो आपने छोटा लूप अंदर लिया, उसमें करंट ये देखिए ये जो छोटा लूप लिया, इसमें करंट पूरी नहीं होगी इसमें करंट थोड़ी सी होगी वो करंट क्या है आई डैश इजोल्ड आई आर स्कैर डिवाइड बाय आर स्वयर अब जरा इसी एम्पेरियल लॉ इसी एम्पेर लूपे आप एप्लाई करिए इसी ए, आप चलिए ये हो गया करंट इसमें देखिए करंट जो है करंट का वैल्यू ये है तो निकालिए एम्पेर सर्किट लॉ से अब इस लूप पे निकालिए इस लूप पे ये जो आपका लूप है इस पे निकालिए एम्पेर सर्किट लॉ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स अब बताइए इस लूप में कितनी करंट चल रही है म्यू नॉट टाइम्स आई नहीं चल रही है आई डैश चल रही है तो दैट इंप्लाइज याद रखिए बी को बाहर निकालिए इंटरगल ऑफ डी एल एज म्यू नॉट टाइम्स आई डैश क्या है आई डैश अभी आपने पढ़ा आर स्कैर आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्कैर जरा सॉल्व करके दीजिए आर ओर स्कैर कैंसिल तो याद रखिएगा आपका बी इनसाइड जो है इन साइड आपका बी इन साइड जो है वो किसके बराबर है म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय टू पाई आर स्क्वेर यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए वायर इनसाइड ए थिक वायर तो थिक वायर के अंदर मैगनेटिक फील्ड जीरो काम कीजिए इसको फिर से रिपीट करिए अगर ये एक थिक देखिए, एक थिक वायर है करंट चल रही है मैगनेटिक फील आउट साइड दिकायर सर यह सेम है मैगनेटिक फील ऑन द सर्फेस ऑफ दिक वायर सर इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई रेडियस वट इज द मैगनेटिक फील इन साइड दिक वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सीज तो आपका आएगा म्यू नॉट आई

तो इस लाइन में ये एक्सीज है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो याद रखिएगा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है यहां पे यहां पे ऑरिजिन है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है फिर स्ट्रेट आ रहा है तो बी इनसाइड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इसके बाद जो है इसके बाद आपका फिर से वही कर्व है जो आपने इनवर्स कर्व पढ़ा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जो आपका स्टार्ट में आपने ट्यूब के रिलेटेड पढ़ा था अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने ट्यूब पढ़ा था तो ये है एम्पियर सर्किट लॉ तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला एम्पियर सर्किट लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला थिन वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला थिक वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला इसका भी चलिए हम एम्पियर सर्किट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन करते हैं सोलिनाइड uh, सोलिनाइड जो है हम कहेंगे सोलिनाइड है करंट करंट एक सर्कुलर कॉइल है दूसरी सर्कुलर कॉइल है तीसरी सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से करंट चल रही है इसमें तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ये बिहेव करता है जिस तरह याद रखिएगा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आपका ये मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं बराबर सॉलिनाइट जो है वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट जिसका एक पोल नॉर्थ होगा दूसरा साउथ पोल होगा तो याद रखिएगा ये सॉलिनाइट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है लिकल कोयल ये करंट इस तरीके से चल रही है तो याद रखिएगा यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन निकलेंगी और यहाँ से ये देखिए ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल ये बिहेव करेगा साउथ पोल तो ये Solenoid is a device used to generate magnetic field. It consists of long conducting wire wound. दम ऑफ हेलिक्स हेलिकल कॉइल जो मैंने बोला वर द नेबरिंग टर्न आर क्लोज इज स्पेस्ट वेन करंट फ्लोज इन दोलिनाइड टर्न कैन बी रिकॉर्ड एज ए कंडक्टिंग सर्क्यूलर लूप इसका हर एक टर्न जो है वो सर्क्यूलर लूप है वो होगा वैक्टर सम ऑफ ऑल दीज सर्क्यूलर कॉइल्स को एक सर्क्यूलर कॉयल का मैग्नेटिक फील दूसरे सर्क्यूलर कॉल का तीसरे का चौथे का पांचवे का सबका जो है यह आपका यह सोलिनाइड होगा तो नॉर्मली हम इनल्ड वॉय में यूज़ करते हैं तो याद रखिए इसके बीच में जब भी हम कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है डालते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है अगर आपको याद होगा राइट हैंड रूल याद होगा सर्कुलर कॉइल जो है जहां तक सर्कुलर कॉइल का ताल्लुक है आपको याद होगा सर्कुलर कॉइल में हमने पढ़ा आपको याद होगा सर्कुलर कॉइल में हमने पढ़ा अगर आपके पास पांच मिनट के लिए यह सर्कुलर कॉइल है करल द फिंगर्स इन ये देखिए करल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी आप थम जो है करल द फिंगर्स सर्कुलर कॉइल में हम फिंगर्स को करल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप होल्ड कीजिए सॉलिनाइड है सोलिनाइड का हर एक जो सर्कुलर कॉइल है देखिए करंट किस तरीके से चल रही है आप आराम से देखिए यहां से मैं एरो से दिखाऊंगा करंट किस तरह चल रही है फिर जा रही है अंदर फिर यहाँ पे करंट फिर अंदर फिर अंदर इसी तरह अपने फिंगर्स को रखिए जिस तरीके से करंट चल रही है तो ये जो थम है थम इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इसका उल्टा स्ट्रेट कंडक्टर में हमने इसका उल्टा पड़ा थम करंट दिखाता है फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं सर्कुलर कॉइल में हमारे लिए कन्वीनियंट ज़्यादा यही रहता है फिंगर्स जो है फिंगर्स इंडिकेट करती है याद रखिएगा फिंगर्स इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से सर्कुलर कॉइल में करंट चल रही है और थम इंडिकेट करता है तो याद रखिए अगर ये सोलिनाइड है तो फिंगर्स दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आएगा और याद रखिएगा इसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे इसको साउथ पोल कहेंगे चले लीजिए सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप एक काम करें कंसिडर ए सोलिनाइड विंग एन जो है एन टर्स पर यूनिट लेंथ एक सॉलिनाइड है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एन टर्न है ये देखिए हम एक बार फिर से जाएंगे यहां पे ये जो आपने देखा यहां पे चक करिए यहां पे चेक करिए हर एक टर्न जो है हर एक टर्न जो है यहां से चेक करिए एक टर्न है दूसरी टर्न है तीसरी टर्न है चौथी टर्न है जिस तरह स्प्रिंग की टर्न्स होती है मैनेडिक फील्ड निकलता है यहाँ से तो अब हम मैनेडिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे अब देखिए अब हर एक टर्न में चलिए और चेक करिए ये देखिए अगर हम बात करेंगे करंट जो है करंट यहाँ से यहाँ से देख देखिए करंट ये सर्कुलर कॉइल है करंट यहाँ से चल रही है फिर अंदर जा रही है वहाँ से होके फिर वापस आ रही है यहाँ से फिर ऊपर एरो दिया है करंट एंटर हो रही है और यहां से देखिए यहां से यहां से यहां से करंट निकल रही है यहां से करंट एंटर हो रही है यहां से करंट जो है निकल रही है तो इसीलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं ये जो ऊपर आपको वायरस का क्रॉस सेक्शन मेंंट अन एंटर हो रही है ऊपर तो यहां पे आप दिखाइए क्रॉस ये जो सर्कुलर कॉइल के खाली क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं ये सर्कुलर कॉइल के खाली क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं और ये देखिए कॉइल जो है वो अंदर जा रही है और वहां से यहां से आप दिखा रहे हो यहां से करंट जो है करंट बाहर निकल रही है डॉट का मतलब हुआ बाहर निकल रही है अब देखिए अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कंसिडर सोलिनाइड हैविंग पर यूनिट लेंथ लेट करंट आई फ्लोस थ्रू इट चलिए इसके थ्रू करंट आई जो है फ्लो हो रही है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन रेक्टेंगुलर एंपेरियन लूप पी क्यू आर एस तो आप रेक्टेंगुल रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप लीजिए पी क्यू आर एस ये जो दिखाया गया है यहां पे विच एनक्लोजेस टर्न्स जो कुछ टर्म्स को क्या कर रहा है एनक्लोज कर रहा है तो चलिए ये देखिए यहां पे यहां पे चक करिए यहां पे ये जो ये मैंने रेक्ट ये एम्पेरियन लूप है ये देखिए मैंने रेक्टेंगल लूप लिया है इस तरह यहां पे ये इस तरीके से है ये इस तरह तो अंदर जो है ना ये वा ये वाली लाइन जो है ये अंदर है ये बाहर है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये बाहर है अब चलिए इसी पे अप्लाई करिए एम्पेयर सर्किट लॉ तो नोट करें अप्लाइंग एम्पेयर सर्किट लॉ ऑन द लूप पी क्यू आर एस तो बताइए वी गेट इंटरग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई एनक्लोज डॉट डी एल इज लाइन इंटेग्रल लेकिन लाइन इंटेग्रल किस किस का ये चेक करिए लाइन इंटेग्रल पूरी पूरे पाथ का लेना है पी क्यू जो इस सॉलीनाइड के अंदर है और क्यू आर इसके परपेंडिकुलर है क्यू आर और आर एस ये सॉलीनाइड के बाहर वाली लाइन आएगी तो इस पाथ पे आप अप्लाई करिए एम्पेर सर्किटो लॉ तो इस, इस तरह देखिए आपका जो ये पूरा का पूरा है पी क्यू आर एस पी पूरा पाथ है जरा इसको ब्रेक कर दीजिए ये जो है यहां पे इसको ब्रेक कर दीजिए अलग अलग पाथ में पी क्यू तो बताइए लाइन इंटेग्रल क्या क्या है चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा इस तरह दिखा रहा हूं ये देखिए पाथ पी क्यू इंटेग्रल ऑफ बी डीएल इसका पी क्यू प्लस इंटेग्रल ऑफ बी डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डीएल इसका क्यू आर प्लस इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इसका आर एस प्लस इंटरग्रल ऑफ बी डॉ डी एल इसका आर एस इसका एस पी इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स करंट म्यू नॉट टाइम करंट अब देखिए करंट अंदर इस इस वाले पोर्शन में कितनी करंट एंटर हो रही है आप मुझे बता दीजिए हर एक लूप जो है ये चेक करिए इसमें देखिए इसमें देखिए ये कारंट चल रही है यहां से यहां तक चेक करिए यहां से यहां तक कितनी टर्न्स है जो ये लूप आपने लिया ये देखिए आपने लूप ले लिया है ये चेक करिए एक लूप दो लूप तीन लूप इसी तरह चार पांच यहां से यहां तक देखने हैं कितने कितनी टर्न्स आएंगी तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है एक एक टर्न में करंट आई है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एल होगा बिकॉज एन इज द आपके सामने है एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पर चलिए पांच मिनट के लिए लेंथ जो है इस लूप का इस लूप की लेंथ एल है इसकी ब्रेड्थ जो है बी है तो बताइए एल जो है ना एल एल पोर्शन में कितनी यहाँ से यहाँ तक मैं एरो से दिखा रहा हूं यहां से यहाँ तक इस जो सोलनाइड के अंदर लाइन है कितनी टर्न आएंगी एन एल आएंगी एक टर्न में करंट आई है तो आपके सामने हो गया जरा सॉल्व करके दीजिए पहली बात यह है पहला वाला केस जो है ये वाला आपके सामने है जरा चेक कर दीजिए जल्दी जल्दी बताइए शाबाश क्या होगा ऑफ चलो जल्दी जल्दी इंटीग्रल ऑफ बी डॉ डी एल मतलब बी डी एल कॉस जीरो क्योंकि आपने देखा ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी लाइन के अंदर है तो इसीलिए ये याद रखिएगा ये आपका कॉस जीरो होगा प्लस ये पी क्यू है प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ 90 ये देखिए ये क्यू आर जो है ये इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द दीज है तो ये इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ये ये देखिए ये बाहर है सोलनाइड के बाहर ये वाली लाइन सॉलनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लेजेबल होता है इसको लिखेंगे जीरो प्लस तो ये देखिए ये भी आएगा इंटरग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो है एस पी ये भी आएगा ये देखिए ये भी आएगा आपका इंटरगल ऑफ बी डी एल ऑफ 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई अब देखिए कॉस 90 जीरो है यहां पे जीरो है यहां पे जीरो है यहां पे रीजन लिखिएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील इज नेगलिजिबल नेगलिजिबल आउटसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नेगलिजिबल है अब चलिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे अब आपके पास खाली क्या बचा है पूर, ये पूरे ये देखिए पूरे एम्पेरियन लूप में ये देखिए पूरे एम्पेरियन लूप में आपके पास इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है आपके पास सिर्फ पी क्यू वाली लाइन आएगी पी क्यो वाली लाइन की लेंथ एल है तो बताइए आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये देखिए क्या है ये देखिए ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड जो है बी डॉट डी एल कॉस जीरो हुई मीन्स बी डी एल तो यहां पर मैं लिखूंगा बी इंटरगल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई और आपको पता है बी इन टू इंटरगल ऑफ डी एल एल है यहाँ पे टू पाई आर नहीं है ये एल वाली लाइन है इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो ये देखिए म्यू नॉट एन एल आई एल और एल कैंसल आपके सॉलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई तो याद रखिए वट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैनेरिक फील डू टाइनागा म्यू नॉट नंबर एन मीन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन टू आई ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो याद रखिएगा अगर इस सॉलिनाइड के अंदर ये देखिए ये सॉलिनाइड है ये सॉलिनाइड है अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर कोई कोर भर देंगे पैरामैग्नेटिक कोर कोई मीडियम भरेंगे इसमें या कोई मै हमें किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है उसकी चूंकि जिस तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा एप्सोलॉट परमिटिविटी है, है एप्सोलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी है इसीलिए याद रखिएगा और एप्सोलॉन ऑट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसी तरह यहां पर याद रखिएगा म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू आर इज रिलेटिव परमिटिविट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यह है रिलेटिव to permeability. अगर इस कोर की परमिबिलिटी म्यू आर है तो याद रखिएगा तब सोलिन का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आगे आपको मेंशन करना है जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्स्टेंट लिया था यहां पे मेंशन करना है म्यू म्यू आर और बाकी होगा यही नॉट एन आई ये आपका सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड है जब हमने यहां पे अप्लाई करना है तो याद रखिए मेरे बच्चों सोलिनाइट का मैग्नेटिक फील्ड अब किसके बराबर होता है सोलिनाइट का मैग्नेटिक फील्ड होता है बराबर म्यू नॉट एन आई म्यू म्यू नॉट एन आई बाई एल या अगर परमियबिलिटी कोई कोर होगा फेरोमैग्नेटिक कोई कोर होगा तो सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम से म्यू आर टाइम म्यू नॉट एन आई ये आपके साथ सामने okay. की सबसे लास्ट एप्लीकेशन जो एग्जाम में आ सकती है मैनेडिक फील्ड ड्यूट ए टोराइड यहां पर याद रखिएगा मैनेडिक फील ड्यूटा टोराइड यह है टोराइड आप एक काम करिए सोलिनाइड को ही रिंग uh, में कर दीजिए या एक रिंग को ऊपर uh, से वाइंड कर दीजिए टर्न uh, से वाइंड कर दीजिए तो ये वो आपका ये सॉलिन solen, सॉलिनाइड होगा देखिए इस ट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स देखिए इस ट्यूब पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है टर्न्स लगी है हर टर्न में करंट फ्लो हो रही है करंट फ्लो हो रही है तो इस सोलिनाइड के अंदर जो है uh, आप देखिए हर एक रिंग का एक्सीज के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसी तरीके से कन्फाइन होंगी हाँ, तो टोराइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजी वाउंड इट कैन बी व्यूड एज अ सोलिनाइड विच हैज बीन बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप टू सर्कुलर शेप टू क्लोज ऑन इट आप इस तरह भी कर सकते हो अब देखिए इस सोलिनाइड का जो मैंने यहाँ पे बताया इसका आप एक काम कर दीजिए चलिए ये रेडियस आर है आप लीजिए एक एम्पेरियन लूप लीजिए ये ये देखिए ये एम्पेरियन लूप है मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा यहां पे ये देखिए ये देखिए ये एम्पेरियन लूप मैंने लिया जहां से मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप लीजिए ये एम्पेरियन लूप है चलिए इस एंपेरियन लूप का रेडियस जो है सेंटर से आर है अब इसी एम्पेरियन पे आप अप्लाई करिएगा निकालिएगा सर्किट लॉ क्या है इंटरग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर है म्यू नॉट आई एन क्लोज अगर टोटल में क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं है अगर टोटल में टोटल में एन टर्न्स है तो मैं इस तरह लिखूँगा और मैनेटिक फील्ड जो है हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर हम बात करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट है ये जो मैनेटिक फील्ड की लाइन बराबर इसी तरह होगी इसीलिए मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अगर एक टर्न में करंट आई है नंबर ऑफ टर्नज एन है तो मैं कहूंगा एन आई एक काम करिए बी को बाहर निकालिए इंटीग्रल ऑफ डी एल जो है वो हो गया टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू तो टॉराइड निकला म्यू नाट एन आई डिवाइड बाई टू पाई आर दिस इज़ द मैग्नेटिक फील ये हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ये देखिए एक न्यूमेरिकल जो है वो नीट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आया है बेस्ड ऑन uh, ये एम्पेरसर गेटल लॉ ए थिक वायर कैरीज ए करंट आई एक थिक वायर है जिसमें करंट जो है आई है और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो चलिए अगर एक थिक वायर है इसका ये देखिए थिक वायर है ये, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और आपको क्या बताना है फाइन द रैशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू आपको बोलना है ये जो एक्सीज है ना एक्सीज से ए बाई टू पे और टू ए पे मैग्नेटिक फील्ड का रेसो क्या होगा तो आपको पता है ए बाई टू जो है ए बाई टू कौन सा वाला पॉइंट है ए बाई टू इसके अंदर आएगा टू ए बाहर आएगा ए बाई टू अंदर टू ए बाहर आएगा टू ए है ए से बाहर तो आपको अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का रेशो निकालना है तो चलिए पांच मिनट के लिए अगर यहां पर है ए बाई टू और यहां पे आपका टू ए है यहां पे आप निकालिए मैग्नेटिक फील क्या है यहां पे निकालिए फिर इन दोनों का रेशो निकालिए सबसे पहले अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा बी इन साइड वट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड इन साइड ए सॉलिना इन साइड ए सोलिनाइड अगर आपको याद होगा ये देखिए अगर आपको याद होगा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इनसाइड इनसाइड ये क्या कहते हैं इसको इनसाइड साइड ए थिक वायर आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ये था म्यू नॉट आई आर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सीज म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई टू पाई आर स्क्वायर फिर से मैं रिपीट करता हूं म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई टू पाई आर तो यहां पर याद रखिए तो चले लिखिए म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई टू पाई आर स्क्वेर म्यू नॉट आई आर जो है आर जो है आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सीज़ बोलिए क्या दिया है ए बाई टू टू पाई तो रेडियस जो है तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है वो दिया है ए स्क्वायर ए वो हो गया ए स्क्वायर तो जरा मुझे बताइए बी इन साइड जो है वो किसके बराबर निकला वो निकला म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई टू टू जा हुआ फोर पाई ये क्या हुआ फोर पाई ए स्क्वायर ये ए और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई ए ये हो गया अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना है अब जरा मुझे बताइए आउटसाइड जो है आउटसाइड मैग्नेटिक फील आउटसाइड की रिलेशन क्या है सीधे नॉर्मल म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई आर तो याद रखिएगा कितना है टू ए तो बताइए आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जल्दी जल्दी बताइए टू टूज फोर फोर पाई ए अब चेक करिए आपको रेशो निकालना है बी इन डिवाइड बाई बी आउट अगर बी इन पे बी वन मैग्नेटिक फील्ड है आउट पे बी टू मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई फोर पर ए म्यू नॉट आई बाई फोर पाई एक जैसा है तो आपका आंसर निकलेगा वन इज टू वन ये कुछ साल पहले नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था